दोस्तों, हमारे शरीर के चक्रों के संस्थान का सबसे निम्नतम चक्र मूलाधार है। ये संस्कृत के मूल और आधार दो शब्दों के मेल से बना है, मूल अर्थात जड़ और आधार अर्थात सहारा। इस प्रकार मूलाधार मानव अस्तित्व का मुख्य आधार हुआ, इससे संपूर्ण अस्तित्व का मूल प्रभावित होता है, इसलिए इसका नाम मूलाधार पड़ा। दोस्तों, साधना ग्रंथों में इसे कुंडलिनी शक्ति का केंद्र माना गया है। यही वह स्थान है जहाँ उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों की समस्त संभावनाएं निहित है। इसका प्रतीक एक कुंडलाकार सर्प है जिसकी शक्ति प्रायः सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। शक्ति संस्थान के इस मूल बिंदु से एड़ा, पिंगला, सुषुना नामक तीन प्रमुख नाड़ियां निकलती है जो मेरुदंड मार्ग से आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। ऐसे में कुंडलिनी जब तक सोई रहती है तब तक निष्क्रिय अवस्था में यही पड़ी रहती है, किंतु जागृत होते ही सुषुना के रास्ते समस्त चक्रों का वेदन करते हुए चरम अनुभूति केंद्र सहस्रार तक ऊर्ध्वगमन करती है। यही आत्मज्ञान का तल और स्थल है, इसलिए कुंडलिनी योग में मूलाधार चक्र के जागरण का विशेष महत्व है। दोस्तों, पुरुषों में ये लिंग और गुदा के मध्य स्थित होती है, जबकि स्त्रियों में गर्भ ग्रीवा के पिछले हिस्से में इसकी अवस्थिति बताई गई है। वास्तव में इसका कोई क्षेत्र नहीं होता, अतः जागरण क्रम में ध्यान सीधे उसी बिंदु पर टिकाना पड़ता है जहाँ इसकी वास्तविक स्थिति होती है। दोस्तों, ये चार दलों वाला रक्त कमल है। इसके प्रत्येक दल में क्रमशः वम, शम, श, सम, वर्ण सुनहरे अक्षरों में अंकित होते हैं। इसका यंत्र वर्गाकार और पीले रंग का है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। वर्ग में 8 वर्ष हैं, 4 वर्ग के कोनों में और शेष 4 भुजाओं के मध्य में। ये सभी सुनहरे पीले हैं। इस चक्र का वाहन हाथी है और इसके साथ सूनड़ है। ये सप्त चक्र सप्त धातुओं की प्रतीक हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी एक बलशाली पशु होता है, इसमें ये चक्र की शक्ति और गति दोनों को निरूपित करता है। उसकी गति मंथर है जो इस स्तर की चेतना की चाल बतलाता है। वह विशाल शरीर वाला मजबूत जंतु है जो यहाँ निहित शक्ति की प्रकृति का द्योतक होता है। हाथी के ऊपर एक रक्तवर्णी उल्टा त्रिकोण होता है, इसे उत्पादकता का सूचक माना जाता है। त्रिभुज के मध्य में एक धूम्रवर्ण का लिंग होता है जिसके चारों ओर कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार रूप में 3.5 फेरे लिपटी हुई होती है। इस तीन कुंडली में सत, रज, तम का प्रतीक होता है जिसमें आधी कुंडली मानवीय उत्कर्ष को इंगित करती है। दोस्तों, इसका बीज मंत्र लम होता है जो त्रिभुज के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसके देव गणेश तथा देवशक्ति डाकिनी हैं। देवी डाकिनी चतुर्भुजी और लाल नेत्रों वाली होती हैं। उनमें अनेक सूर्यों का प्रकाश है तथा वे निर्मल बुद्धिवाहिनी होती हैं। इस चक्र की तन्मात्रा सुगंध ज्ञानेन्द्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। अतीन्द्रिय गंध का प्रादुर्भाव यही से होता है। इसका लोक भूलोक तथा वायु अपान है। यह अन्नमय कोष से संबंधित होता है। दोस्तों, मनुष्य में जितनी भी तामसिक वृत्तियां हैं उनमें ये चक्र उनका निवास स्थल है। ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता, स्वार्थपरता, अपराध भाव, मनोग्रंथि, दुष्टता, भ्रष्टता तथा कष्ट का केंद्र मूलाधार चक्र ही होता है। जो इनसे ऊपर उठना चाहते हैं उनके लिए मूलाधार का शोधन और जागरण आवश्यक होता है। इस चक्र का संबंध कायिक रूप से कई संस्थानों से होता है। इनमें उत्सृज, मूत्रालय, यौन तथा प्रजनन प्रमुख है। साधारण दशा में मनुष्य क्या है, यदि इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि उसका व्यक्तित्व और जीवन इस निम्न चक्र की अभिव्यक्ति मात्र है। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट जीवन शैली होती है। उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं और क्रियाकलाप अपने ढंग के अलग होते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति में इस पृथकता और विशेषता का कारण उसका मूलाधार चक्र ही होता है। यहीं पर हमारे समस्त मानवेतर संस्कार और कर्म केंद्रित होते हैं। दोस्तों, जीवन का विश्लेषण करते हुए फ्रॉयड ने कहा है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन यौन व्यक्तित्व से प्रभावित है। उनका ये कहना गलत नहीं है। दैनिक जीवन में व्यक्ति के रहन सहन, वस्त्र विन्यास, साज सज्जा में कहीं न कहीं यौन सजगता परिलक्षित हो ही जाती है। ऐसा काम केंद्र से संबंधित इस चक्र के कारण होता है। मनोविश्लेषक तथा मन चिकित्सक विक्षिप्तता, उन्माद, सनक आदि के कारण चाहे जो बताते हो, योग आचार्यों की दृष्टि में यह मूलाधार चक्र में केंद्रीभूत शक्ति के अनुत्सर्जन का परिणाम है। वहां से शक्ति मुक्त नहीं हो पाने के कारण मस्तिष्क का तत्संबंधी केंद्र प्रभावित होता है और संपूर्ण जीवन असंतुलित हो जाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में मैथुन का प्रमुख स्थान होता है। वहाँ पंचमकारों में वो एक होता है। ये सत्य है कि सामान्य जीवन में मनुष्य का संपूर्ण आपा यौन संतुष्टि और यौन कुंठा से प्रभावित है, पर यह भी मिथ्या नहीं है कि मनुष्य की कामेच्छा यदि किसी भांति समाप्त हो जाए तो उसकी समग्र दृष्टि ही परिवर्तित हो जाएगी और जीवन की परिभाषा उसकी कुछ अलग होगी। दोस्तों, तंत्र में जिस काम क्रिया का उल्लेख मिलता है वह वास्तव में वासना पूर्ति का पर्याय नहीं, शक्ति के ऊर्धीकरण का उपाय है। ऐसे में मैथुन के प्रति प्रायः 3 प्रकार की दृष्टि होती है। ये तीनों ही मन की भावदशा पर निर्भर होता है। अधिकांश लोग इसे आनंद का साधन मात्र मानते हैं। कतिपय लोग प्रजनन हेतु इसका अभ्यास करते हैं, पर योगियों के लिए ये समाधि का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है। वहाँ वह सामान्य काम क्रीड़ा ना होकर उच्च स्तरीय विज्ञान हो जाता है जिसके माध्यम से वे काम शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर दिव्य अनुभूतियां और आध्यात्मिक विभूतियां प्राप्त करते हैं।
इसलिए सर्वसाधारण को इस क्रिया की महत्ता और उपयोगिता को समझते हुए ऐसा अवलंबन अपनाना चाहिए जिससे संबंधित शक्ति संस्थान जाग सके। दोस्तों, इसमें ये भी जानना जरूरी है कि गृहस्थ साधक को इसके लिए गृहस्थ जीवन त्यागने की आवश्यकता नहीं। जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि यौन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण उदात्त बने ताकि क्षणिक आनंद के निमित्त व्यय होने वाली ऊर्जा का उच्च स्तरीय रूपांतरण संभव हो सके। इसमें ये भी जानने योग्य तथ्य है कि पति पत्नी में से यदि कोई एक योगी हो तो अपने साथी के आध्यात्मिक उत्कर्ष में वह काफी सहयोग कर सकता है। ऐसे में यौन जीवन के प्रति मनुष्य की जो सबसे बड़ी भूल है वह ये है कि वह स्वयं से ही इस निमित्त संघर्ष कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि वह इसकी वास्तविकता को समझे और उसके अनुरूप आचरण करें। वह यौन जीवन को त्यागना तो चाहता है पर अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो सका है। दोस्तों, सफलता की गारंटी तभी दी जा सकेगी जब वह मूलाधार चक्र के परिमार्जन और जागरण की बात सोचे और उसे संपादित करें। इससे कम में काम के प्रति उसकी भावनाओं और धारणाओं में बदलाव संभव नहीं। इसका कारण ये है कि मूलाधार के अपरिष्कृत स्थिति में पड़े रहने से उससे संबद्ध मस्तिष्क का हिस्सा भी तामसिक वृत्तियों का केंद्र बना रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहकर भी अपनी है और हीन गतिविधियों को त्याग नहीं सकेगा और पूर्व की तरह घिनौना जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों, योग मार्ग के निष्णातों के अनुसार मूलाधार से सहस्रार तक प्राण का आवागमन 3 सूक्ष्म स्तर की नाड़ियों द्वारा होता है। मानसिक शक्ति का वाहक नाड़ी इड़ा कहलाती है। यह मेरुदंड में बाईं ओर स्थित होती है। पिंगला प्राण प्रवाह का मार्ग है। इसकी अवस्थिति दाईं ओर होती है। मध्य में सुषुना का स्थान होता है। इससे आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब इड़ा और पिंगला का प्रवाह पूरी तरह संतुलित होता है तब सुषुना क्रियाशील होती और कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। पर ऐसी अवस्था कभी कभार और अल्पकाल के लिए ही आती है, किंतु शक्ति जागरण के लिए इतना भी पर्याप्त होता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के जागरण में उस तीव्रता का अभाव होता है जो अन्य विधियों द्वारा जागृत होने पर दिखलाई पड़ता है। इसलिए इसमें कुंडलिनी का उत्थान सहस्रार तक ना होकर स्वाधिष्ठान या मणिपुरित चक्रों तक ही हो पाता है, वह भी स्थायी नहीं होता। इसलिए सुयोग्य मार्गदर्शक इसके लिए प्राणायाम का निर्देश करते हैं ताकि इड़ा और पिंगला का शुद्धिकरण होकर उनका शीघ्र संतुलन हो सके। दोस्तों, एक बार जब ये संतुलन भली भांति स्थापित हो जाता है तो मूलाधार में एक विस्फोट सा होता है। उसी के साथ कुंडलिनी तीव्र गति से ऊपर उठती हुई तब तक निर्विघ्न बढ़ती चलती है जब तक वह सहस्रार तक न पहुंच जाए। विधिक प्रकार के अभ्यास और उपचारों द्वारा जब मूलाधार चक्र उद्दीप्त होकर जागृत होता है तो बड़ी तीव्रता पूर्वक निम्न स्तरीय संस्कार चेतन स्तर पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धरती के गर्भ में छिपे पड़े पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगते हैं। इस स्थिति में दमित वासनाओं और भावनाओं का इतना प्रचंड प्रवाह उमड़ता है जिसे साधक चाहकर भी नहीं रोक पाता। ऐसे में निषेधात्मक चिंतन साधक के मस्तिष्क में हावी हो जाता है और चिंतन तंत्र को इस कदर अपनी पकड़ में ले लेता है कि व्यक्ति एकदम असहाय अनुभव करने लगता है और ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, प्रतिशोध का वेग रोके नहीं रुकता, जिससे साधक बुरी तरह चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। उसके चिड़चिड़ेपन का हाल ये होता है कि एक छोटे से सवाल का जवाब भी वह सरलता और शालीनता पूर्वक नहीं दे पाता, जबकि अस्थिरता इतनी विकट होती है कि यदि अभी वह शांत एकांत बैठा है तो अगले ही पल किसी से झगड़ा करता दिखाई देगा। एक दिन तो वह सवेरे 8 बजे तक सोता रहेगा किंतु दूसरे दिन प्रातः 2 बजे उठकर काम करना शुरू कर देगा। कभी वह चीख चीख कर बातें करेगा तो कभी ऐसा प्रतीत होगा मानो मौन धारण कर रखा हो। इस स्थिति में अक्सर साधक गाने का शौकीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, साधक के इस भूमिका में अवस्थान करने पर एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है जो साधक को इस बारे में आश्वस्त कर सके कि यह भावनात्मक अस्तव्यस्तता उसके अद्पिन का लक्षण नहीं बल्कि विकास का चिन्ह है। ऐसे समय में साधक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और कुछ से कुछ सोचने लगते हैं। तब जानकार गुरु ही उन्हें वास्तविकता से अवगत कराता है और निश्चित रहने की सलाह देता है। वह उन्हें बताता है कि वास्तव में यह विकार निष्कासन प्रक्रिया का परिणाम है। यदि विस्फोट ना होता तब भी विकारों का निर्गमन अवश्य होता, पर तब उसकी गति इतनी धीमी होती कि उसमें कई जन्म लग जाते। दोस्तों, मूलाधार चक्र का जागरण गुदा के चारों ओर खुजलाहट की संवेदना से प्रारंभ होता है। अनेक बार यह प्रतीति लिंग गुदा के मध्य के स्थान में अथवा काक्सिक्स क्षेत्र में गर्मी, भारीपन, फड़कन के रूप में होती है और घ्राणेन्द्रिय इतनी अधिक संवेदनशील बन जाती है कि तीव्र गंध बर्दाश्त कर पाना संभव ही नहीं होता। इस चक्र के जागरण के दौरान साधक को कितने ही प्रकार के अनुभव होते हैं। इनमें से प्रथम है शरीर का जमीन से ऊपर उठना। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आकाश में तैर रहा हो और स्थूल शरीर जमीन पर पड़ा हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप में यह कोई भ्रांति नहीं बल्कि वास्तविक होता है। दोस्तों, शक्ति जागरण के क्रम में साधक का सूक्ष्म शरीर भौतिक देह से पृथक होकर ऊपर उठने लगता है। इसी की अनुभूति इस रूप में होती है।
इसे काया का शून्य में ऊपर उठना नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी किसी को अनेक अतींद्रिय अनुभव होते हैं। उनमें अतींद्रिय दृष्टि और श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है। कभी कभार यह भी अनुभूति होती है कि शक्ति सिर के ऊपरी भाग में आरोहण कर रही है, किंतु प्रायः बहुत थोड़ी सी शक्ति ही इस प्रकार ऊपर चढ़ पाती है, जबकि अधिकांश मणिपुरित में ही अवरुद्ध पड़ी रहती है। दोस्तों, मूलाधार चक्र को जगाने के लिए साधना विज्ञान में कितने ही प्रकार के अभ्यास उपचार बताए गए हैं। इनमें मूलबंद, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, चक्र का ध्यान तथा नासिकाग्र दृष्टि, जिसे अगोचरी मुद्रा भी कहते हैं, प्रमुख हैं। इनका लगभग एक महीने तक अभ्यास करने से चक्र कमल प्रस्फुटित हो जाता है और साधक को वे सारे अनुभव होते हैं जो चक्रों के लक्षणों में मैंने बताया है। दोस्तों, मूलाधार चक्र में ध्यान करने से साधक प्रखर वक्ता, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्वविद्या, विनोदी, आरोग्य, आनंद, चित, काव्य और लेखन की सामर्थ्य आदि क्षमताएं विकसित कर लेता है। दोस्तों, ऐसे में मूल आधार यदि सुदृढ़ हुआ तो ही उस पर मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। चक्र संस्थान में मूलाधार की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। वहाँ कुंडलिनी रूपी प्रचंड शक्ति का निवास होता है। मनुष्य यदि चाहे तो इसके महान जागरण द्वारा अपने साधारण जीवन का दिव्य रूपांतरण कर सकता है और इतना प्रखर और पराक्रमयुक्त बन सकता है जिसकी उपमा ईश्वर से दी जा सके। ये पशु चेतना का भी केंद्र है, जो इस बात के प्रति सावधान करता है कि यदि हमारा अंतर बलशाली ना हुआ तो पाश्विकता के पाश में हम फंस सकते हैं। इसलिए इसका वाहन ऐरावत है, जो इस बात का प्रतीक है कि आदमी में हाथी की तरह मानसिक अधिष्ठाता होनी चाहिए, तभी वो पशु प्रवृत्तियों के जीवन में हावी होने से बच सकता है और उन्हें पोषण और प्रश्रय दे सकता है, जिन्हें देववृत्तियां कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के रूप में परिष्कृत मूलाधार वास्तव में इन्हीं देववृत्तियां का प्रतीक, प्रतिनिधि और समुच्चय है। इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।